आई लव यू। मैं मानता हूँ यार तुम थोड़ी मोटी हो, लेकिन मुझे इससे कोई इशू नहीं। हाँ दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, मतलब आप बाकी मांगे चलें फिर चलें। हाँ तो फिर तुम्हें कहाँ से पिक करूँ बताओ, मैं आ जाता हूँ तुम्हें पिक करता हूँ, फिर वहाँ से निकल। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय अली अहमद। गाइस आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो के एंड तक देखना। गाइस वीडियो में शाउट आउट है शेयर टीवी को, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी से विजिट करो। हम चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी यार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ना पीछे बैठा था, काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ना आके तुमसे बात कर लूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से कहना चाह रहा हूँ। तो देखो यार, तुम प्लीज़ गुस्सा मत करना, तुम्हारा जैसा दिल करे तुम उसके बाद मुझे बता देना, लेकिन प्लीज़ कम से कम तुम मेरी बात सुन लेना पूरी, तो मैं बहुत गर्व से लेके तुम्हारे पास आया हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ मैं कुछ गर्व से लेके आपके पास आया हूँ, बहुत गर्व से लेके, तो आप प्लीज़ मुझे रिफ्यूज़ मत करना, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। काफ़ी टाइम से ना मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने आपको जी मैंने आपको फेसबुक पर भी फॉलो किया हुआ आपको। हाँ पक्का, पता है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप अपनी स्माइल पे डिन टोनिक वाला जो ऐड होता है वो क्यों नहीं करवाती हैं आप? अच्छा लगेगा यार। यार देखो तुम ऐसे गुस्सा मत करो, मैं तुमसे बस कुछ कहने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद तुम्हारा जैसा दिल करे तुम वैसा करना, लेकिन कम से कम तुम मेरी बात सुन लेना। देखो यार मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी ना बातें सारी की सारी सुन लेना। हाँ मैं मानता हूँ यार तुम थोड़ी मोटी हो, लेकिन मुझे इससे कोई इशू नहीं। पागल नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग ख़राब है। खैर आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे कोई इससे इशू नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, मतलब हाँ मतलब तुम्हारी जब तुम स्माइल करती हो ना तो मतलब दिल जीत लेती हो। मैं तो कहता हूँ तुम स्माइल का कारोबार शुरू कर लो, 10 रुपये की एक स्माइल, 5 रुपये की एक स्माइल, मतलब बहुत कमाल हो जाएगा कि अगर 5 रुपये की 10 रुपये की स्माइल होगी। नहीं आप पहले मेरी बात सुन लें, फिर मैं आप जैसे कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन आप पहले मेरी बात तो सुन लें एक दफ़ा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी जी बोले, यस प्लीज। देखिए मेरे दिल में ना कुछ अरमान है। हाय आपके दिल में भी अरमान है? हाँ तो मेरे ही दिल में अरमान है, इसमें इतने मतलब शौक करने वाली क्या बात है, अरमान तो किसी के भी दिल में जाग सकते हैं ना। तो जी बोले, मैंने आपके अरमान है मुझे अरमान के नाम में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मैंने आपके लिए एक सॉन्ग लिखा, आप वो सॉन्ग सुने भी लिखा। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। आप ऐसे मत देखें ना मुझे, फिर आपको पता है आपकी स्माइल और आपकी आंखें इतनी प्यारी कि मुझे कुछ कुछ होता है, तो आप प्लीज़ देखें ऐसे मत देखें, मुझे शर्म आती है। तो मैं ना एक बात बताता हूँ, मेरे ना पहले किसी से मोहब्बत की थी, तो उसकी ना शादी हो गई, तो अब उसके बच्चे जो हैं मुझे मामू मामू कहते हैं। तो इसी से मैंने रियलाइज़ किया कि किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना कोई मामू कह दे। तो यार देखो नहीं, हाँ दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, आगे कोशिश की पर गाना आया नहीं। आपके लिए एक सॉन्ग लिखा है, पिछले 3 साल से मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं आपको सुनाऊँ? मैं तो फिर भी सुनाऊंगा। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ना मेरा सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा, तो मतलब तुम इम्प्रेस हो रही होगी मतलब इस सॉन्ग से। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पापा टेररिस्ट तो नहीं है? हाँ नहीं,
तो उन्होंने इतनी बॉम्ब जैसी बेटी पैदा कैसे कर ली? तो मेरे ना दिल में आपके लिए कुछ है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप प्लीज़ अपने दिल को थाम लें। आई लव यू। इतनी जल्दी? यस आई लव यू। इतनी जल्दी नहीं, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छा, मुझे ऐसा फील हो जैसे कि आप भी इम्प्रेस हो रही हैं, मतलब आपको भी मैं अच्छा लगने लगी हूँ। तो मतलब मे बी पॉसिबल ना, कुछ भी हो सकता है दुनिया है। कि अच्छा लड़का हूँ मैं, कुछ नहीं ऐसा ऐसा लड़का नहीं, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। बहुत मुश्किल से मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ माइंड मत करिए, मान जाइए। मतलब आप वाकई यस, आप अच्छा। हम जूस पीने चलें, एक जूस का मैंने बहुत कमाल का, मुझे बहुत पसंद है उसका जूस। हमेशा मैं सिंगल बैठ के पीता हूँ, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, तो आज आप चलेंगे तो मतलब आप वाकई मान के चलें फिर चलें। हाँ तो फिर तुम्हें कहाँ से पिक करूँ बताओ, मैं आ जाता हूँ तुम्हें पिक करता हूँ, फिर वहाँ से निकल। लग रहा है तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा, मतलब मेरा गाना कैसा लगता तुम्हें, तुम इम्प्रेस हो रही हो कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसा तो मत कहो। मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे पास आके बैठा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो यार देखो, अब तुम मेरी बात सुनो कि जो मैं कहना चाह रहा था, मैं दिल थाम कर, देखो तुम्हारे पास अगर पानी की बोतल है या गिलास है तो पकड़ लो, पानी पीने की जरूरत पड़ जाएगी। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव यू। यस आई लव यू सो मच। देखो जिसकी भी कॉल आ रही तुम कट कर दो, उसे कहो कि मुझे कोई प्रपोज कर रहा है, कोई मुझसे मोहब्बत करता है। क्या हो गया है, पागल हो? आई लव यू यार, क्या हो गया तुम्हें, मेरी आवाज़ क्यों नहीं आती यार? एक तो जिधर बैठो उधर सिग्नल प्रॉब्लम है, इधर दरख्त के पास बैठा था मैं तो। अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम ना मुझ में इंटरेस्टेड हो रही हो, तो मुझे अब फील हो रहा है कि मैं इजी हो गया तुमसे अपने दिल की बात कह दूँ। मैं तुम्हारे लिए एक रोज़ भी लेके आया था, मैं दिखाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए फूल भी लिया था। तो मैं तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, तुम आंखें बंद यार। आई लव यू सो मच, आई लव यू। देखो तुम मेरा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं रोऊंगा यहाँ बैठ के, बता रहा हूँ मैं तो रोने लग जाऊँगा बच्चों की तरह, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई लव यू। यार तुम्हें मैं कब से कह रहा हूँ, अभी तुम्हें क्यों मेरी आवाज़ नहीं आती यार, हद है। हेलो हेलो, अरे हाँ यार तुमसे ही कह रहा हूँ, पागल हो गया, कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने की, कभी किधर बैठ रहा हूँ कभी किधर बैठ रहा हूँ, कम से कम तुम बात तो करो मुझसे। एक्सक्यूज मी, क्या आप समझेंगे मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ? आपको अच्छा, तो वैसे अगर आप मुझे पसंद करने लगे तो कोई इशू नहीं, वैसे भी टाइम पास कर रहा था मैं, कर लेते हैं पैसे कुछ। नहीं, ओह सॉरी, मतलब बिल्कुल ही ना है। भी नहीं है और हाँ भी नहीं है, मतलब अभी मिड है तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अच्छा बाय द वे, मैं ना मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ, सॉरी, कोई भी कॉल पे नहीं था मेरे साथ, मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, माना कैमरा लगा था पीछे, हिडन कैमरा, मैं ना यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा चैनल यूट्यूब पे, अगर आप लोग परमिशन दें तो मैं आपको क्लिप यूज़ कर सकता हूँ। ये आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे डैट वाज क्रेजी, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। डैट वाज क्रेजी, थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस बोले। आप लोगों को लगा मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ? तो और क्या, मुझे लगा मुझसे बात कर रहे हो आप काफी टाइम से, तो मतलब आप इम्प्रेस हो रही थी मुझसे, तो और क्या बस ऐसा हो। अच्छा आई एम सॉरी बाय द वे, मैं ना एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करता मजाक करता, माना सर पे कैमरा लगा पीछे। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा नाराज तो ना, एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड आपका मैं क्लिप यूज कर सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं है? क्यों लेकिन आप क्लिप यूज कर सकते हो, इशू तो नहीं है? ये आप सर्च कर, जी जी आपको भी मंगा के देता हूँ मैं, आप ये सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे डैट वाज क्रेजी के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। आपको लगा कि मैं आपको प्रपोज कर रहा था? कोई नहीं अभी कर देता हूँ अगर आप कहती हैं तो। सॉरी बाय द वे, मैं ना एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना रहा था, हमारा वो साइड टू साइड पे कैमरा लगा था, हम YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं आपका क्लिप यूज कर सकता हूँ। यस
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं इस वीडियो कौन सा पार्ट था जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया। भाई वीडियो में एम करते हैं 7000 लाइक, जल्दी से लाइक कर दो। हम इस वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।